हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मेरी ननद आ चुकी थी जिनके साथ मैं बैठ के मस्त एंजॉय कर रही थी, और फिर उसके बाद जो बारात है वो आ चुकी थी। तो हम लोग चल दिए बारात का स्वागत करने के लिए, सारे घर की लेडीज़ और मैं और अब मेरी ननद साहिबा मस्त एक दूसरे के साथ अब बैठे हुए थे। और एक दूसरे के साथ ना एक कंपनी से मिल जाती है जब हम लोग एक साथ होते हैं। आप लोग हमेशा ना बोलते हो कि आपका ननद के साथ एक अलग ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखता है, तो ये तो मुझे भी लगता है कि हाँ ये तो है ही, क्योंकि शुरू से इन लोगों ने ना काफ़ी मुझे अलग फील कराया है और मेरे साथ ना मतलब काफ़ी फ्रेंक नेचर के साथ रहे हैं, तो हो सकता है इसलिए भी। बाकी यहाँ पे बारात आ चुकी है, लड़के की बारात में सब झूमते नाचते गाते गिरते पढ़ते और आते हैं, बहुत मज़ा आता है सच बताऊँ तो। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम आराम से यहाँ पे बैठ जाते हैं। साइड में ही चेयर लगी हुई थी और यहाँ बबनी भी थी ना, तो गोदी में लेके ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते थे, थक जा रहे थे। तो फिर हम यहाँ दोनों बच्चों को लेके और बैठ गए। भीड़ भड़ाके में बच्चों का बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि फिर ना ऐसे लगता है कि पता नहीं भीड़ भीड़ में इधर उधर ना निकल जाए, तो इसीलिए हम यहीं बैठे हुए थे। यहाँ पे दोनों जने बैठे बैठे एंजॉय कर रहे थे और यहाँ हमारी दोनों बेटियाँ भी लगी हुई थी, और हम यही बात कर रहे थे कि अब अनु हम दोनों की बेटी की शादी भी आसपास ही होगी, बिल्कुल जैसे मेरी और अनु की हुई थी ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे लगता है इन दोनों की भी होगी।
बारात आ गई है, हम सभी लोगों ने बारात का स्वागत कर लिया। अब हम थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, हर एक चीज़ को इतना पसंद किया, और काफ़ी लोगों ने मेरी चीज़ों को समझा भी कि मैं हर चीज़ में अपना शांति से वैसे क्यों रह रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे को नहीं है कि मतलब आप ये कमेंट करो कि देखो इस चीज़ में हाईलाइट हो रही है, ये हो रही है, हो रही है, इसलिए मैं हर चीज़ में अपना पीछे रह रही हूँ। जहाँ पर मुझे कोई बुला रहा है, बोल रहा है, मैं वहाँ जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जा रही हूँ। सो, अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको मैंने मेंटेन किया है ताकि आप सबको भी बुरा ना लगे। और बाकी देखिए, फैमिली में जो लोग होते हैं उनके लिए सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहले। उधर चल रहा है बरेछा, मैं और दोनों पड़े हुए हैं यहाँ पे, ऐसे लग रहा है जल्दी जयमाल हो और फिर कपड़ा चेंज कर लो। और ये रख के नहीं ला रही थी तो मैंने बोला थैंक यू, बोल देना मुझको, ना बोले जा, बोल दिया चुपचाप, ना बोले जा। पूजा को इतना बोलते हुए सब लोग देख के ऑन कर देता भाई, हम अपन खुद पकड़ ले बने इंतजार कर रहे हैं, अपन आओ, तो नहीं करो, चलो चलो इधर है, इधर है, पूजा था गुड था अपन देगा लगा देंगे, ठीक है, आई नो ना ना करो बे डर लगा देना है ना ना जल्दी से एक मंडप ढूंढ दे जाने बस, जल्दी ना हमारे घर में एक से बढ़कर एक कैमरा मैन है, लेकिन कभी वीडियो शूट करने के काम नहीं आए हैं। आपने बोला ही नहीं कभी। अच्छा, आपने कभी बोला मेरे को? देख लो, मक्खन लगा ला खाली ये ना दो दो बोतल बोर्ड का कॉफी लूंगी, लेकिन आप थोड़ा उठा के यहाँ पे एक नीचे रख दो, कैपेचिनो पीते हैं यहाँ पे रख दो दीदी, बस ब्लैक टी पीते हैं, मारोगे ना अभी ब्लैक। अच्छा, सब पीते हो? सब पीती हूँ, सिर्फ वो छोड़ के नहीं, मतलब शुगर वगैरह को। देखिए बड़े पापा यहीं बैठे हैं, पिटवा दो अब्बे तरह ढेर बोलवा दो। तो दीदी मैं क्या कर रही हूं, मैसेज नहीं करते मेरे को, मैसेज ना, मैं मैसेज किसी को नहीं करती, मैं बड़ी हो गई, मैं सेलिब्रिटी हूँ, रख दो ना रखे हमारे को तो ब्लॉग पता नहीं, जब बोला तो दर 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 रख दो, आ जाओ आप, आ जाओ आप, आओ मेरे ब्लॉग, आप आओ मेरे ब्लॉग। अच्छा, दीदी कहाँ से कॉफी पी लीजिए, लीजिए एक ही कॉफी मिला मारे, इतना बड़ा दिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक कॉफी मिला, वो भी दिला दो, ले लो प्लीज दीदी आप ले लो। अरे नहीं नहीं यार, ये कर देना, कौन ना दीदी, कोई भैया भाभी नहीं है, भेजो मैं अपनी मामी को भेजूंगी, वो बहुत देखती हैं उनके थ्रू ही मैंने आपको देखा है, मुझे नहीं देखती आप, लड़के की साइड से, लड़की की साइड, अरे लड़की नहीं सॉरी लड़की की साइड, लड़की की साइड से, मुझे नहीं देखती नहीं, लड़की मुझे नहीं देखती, गली नहीं हूँ लड़की, पूछ रहा है कुछ कह रहा है, मुझे देखते बोल तो मैं होगी कैमरे के पीछे रहता हूँ ना, इसीलिए अभी आप उनके बराबर जा जा जा, बेस्ती बेस्ती बेस्ती, नहीं काटूंगी नहीं काटूंगी, अभी जस्ट मैं गोवा से लैंड, अपने लड़के वाली तरफ से भाभी, गोवा में ना, गोवा में बहुत ठंड है, बोल गर्मी है, गर्मी लॉबस्टर केकड़ा खा गया, केकड़ा खा गया, आपका व्लॉग में आना है, सब्सक्राइब किया आपने, फोन दिखाओ, फोन दिखाओ, चेक करो, अरे चेक प्लीज प्लीज प्लीज, पता चल गया सच्ची, इंस्टा पे तो फॉलो कर रहे नहीं, लो पकड़े बता, अब मैं गलत था, नहीं किया नहीं किया नहीं किया, अब बताए झंड हो गई, वो छोड़ सब्सक्राइब, अच्छा मुझसे पूछ लो किसी के बिना,
मेरे को जानते हो? अरे आपको नहीं जानते, कितनी बार बोला है मुझे, मुझे 3 साल में कितनी बार दिक्कत से मिला है। मैं किन फैमिली से अलग हूँ क्या? फैमिली का हूँ। हाँ भाई, पर मैंने नहीं वहाँ देखा ही नहीं कभी। आप 3 साल में दूसरी बार तो मिल रहा है, पहली बार सॉरी 3 साल बाद। थोड़ा मैं अंडरग्राउंड रहता हूँ बाबू, सूजनी खाते होता। ये आपका है? आपकी है सॉरी। अरे रोजा एक और ही छोड़ बना के रोजा चल नहीं नहीं नहीं, बट मेरे बिहार से कोई नहीं, मैं यूपी साइड से बनारस। सुनो दीदी, दीदी इन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, इनका कट कर देना सारा, ठीक है? इनका मतलब फॉलो तो दिखा दिए ना, फॉलो है। अरे मजाक, अरे सॉरी मजाक, सीरियस हो गए तो। अरे दूर से ना एकदम बहुत दिखा दिए। अरे सबको ही आई फॉलो, फॉलो दिखाए तो सबसे ज्यादा रील तुम्हारी चलनी चाहिए। हाईलाइट में थंबनेल में फोटो होनी चाहिए। अरे वैसे ये हमारा ना ही रील बनाता लोग की फोटो थंबनेल में नहीं लगा दी। थंबनेल में इनके पास मैं ही आया हूं आज तक, और कोई नहीं। मैं आया हूं मेरे दोस्त सब्सक्राइबर हैं, देखिए बड़े हस्ती है यहाँ पर, वो नहीं है जिन्होंने। हाँ बड़ी हस्ती हूँ मैं, बड़ी हस्ती तो हाँ मैं सब के लिए घूमने घूमने करा रहा हूँ। बड़ी हस्ती बड़े बड़े लोगों के लिए, छोटे मोटे आदमी के थोड़ी। एक बात पे गिलास पानी पिया था, पानी बहुत ब्लैक वाटर पिए, ब्लैक वाटर मंगवा रही, ब्लैक वाटर फोन भर दला।